हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में हमने आपको बताया था कि आगे आने वाले कौन से केसेस हैं, और इसमें हमने ये भी आपको बताया है कि जब बीएड अभ्यर्थी सब मिल करके साथ में आकर के जो है लड़ेंगे, तभी जाकर के कुछ जो है पॉजिटिव नतीजा निकलेगा। अब बहुत अच्छा एक हो रहा है कि सभी के सभी अपने तरफ से जो है अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। जैसे अगर बात करें फिजिकल की, तो वहां जहां पे भी हो रहा है वहां जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, और साथ बात करें फाइनेंशियल सपोर्ट की, वो भी कर रहे हैं। और तीसरी बात कि अपना जो है सुझाव, अपना सजेशन अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं, और इसके साथ साथ प्रूफ भी दे रहे हैं। तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आगे आने वाले जो भी केसेस हैं उसमें किस तरह से रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में जो है बात होगी, कि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है वो रेट्रोस्पेक्टिव रहे या ना रहे। तो इसी से रिलेटेड जो है बीएड के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कि अभी अभी ज्वाइन किया है छत्तीसगढ़ में, इन्होंने अपना एक सजेशन दिया है, एक पॉइंट्स रखा है, और उस पॉइंट को लेकर के जो है इन्होंने प्रूफ भी दिया है, जो कि पॉइंट कंसिडरेबल है, बिल्कुल कंसिडरेबल है। क्या क्या इन्होंने बोला है वो तो हम डिस्कस करेंगे, और कैसे जो है यही सारे पॉइंट्स जो अभी आने वाले जो केसेस हैं, चाहे वो अर्णव घोष का मामला हो, चाहे दीपांकर गौरव का मामला हो, उसमें उठाए जाने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं बीएड के पक्ष को, और कैसे और किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, और ये आपके सपोर्ट से भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए आपको जो है इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखो, ये चीज बहुत अच्छा हो रहा है कि हर बीएड अभ्यर्थी अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है कि अगर मेरे पास कुछ इसके बारे में है, कुछ प्रूफ है, तो मैं इसको जो है आगे लेकर के जाऊं, जिससे कि ये बीएड के फायदे के लिए हो। ये जो अभ्यर्थी है इनका नाम सुमित है, इन्होंने जो है अपने पॉइंट्स को यहाँ रखा है। मैं एक बार इनके पॉइंट्स को आपको बता देती हूँ। इन्होंने रखा है कि मैम, जो व्यक्ति अपना एक रेगुलर जॉब छोड़ करके प्राइमरी टीचर का रेगुलर जॉब ज्वाइन किया है, यदि बीएड को रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जाता है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उससे एक नहीं उसका दो दो जॉब छीन रहा है, जो कि उसके जीने के अधिकार का हनन है। यदि आप इसके लिए जो है प्रूफ मांगेंगे तो हम आपको प्रूफ भी देंगे। इनफैक्ट इन्होंने प्रूफ सेंड किया है अपने बारे में। अब देखो, यहाँ पर बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चे जो है ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे वो 2 महीने से ज्वाइन किए हो, चाहे 6 महीने के हो, चाहे 3 साल से पढ़ा रहे हो, आखिर में उनकी जीविका जो है उसी से चल रही है, अपना सर्वाइव अपनी फैमिली को लेकर के उसी से चल रहा है। अगर आप उनसे वो उनका जो है जॉब छीन लेते हो, तो बिल्कुल सही है कि आप उनसे जीने के लिए राइट टू लाइफ उनका जो है वो आप छीन रहे हो। तो यही बात जो है इस बार रखा भी जाना है, ये पॉइंट आगे पुट फॉरवर्ड बिल्कुल किया जाएगा। और खास करके यूपी वाला मामला जो है, यूपी में 69,000 वैकेंसी वाला मामला है, उसमें ये रखा जा रहा है, विथ प्रूफ रखा जा रहा है। जैसे इनके बारे में बताओ तो सुमित ने अपना जो है पहले का जो एक जॉब था वो उसमें जॉब कर रहे थे, उसको उन्होंने रिजाइन दिया। फिर उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी आई, इसमें जो है इन्होंने ज्वाइन किया है, तो इन्होंने अपने पहले जॉब का ज्वाइनिंग और उसका रेजिग्नेशन, और नए जॉब में जो ज्वाइन किया है उसका ज्वाइनिंग लेटर, सभी चीजें हमें सेंड किया है। तो हम इसको इस तरह से भी रख सकते हैं कि ये जो है एक स्टूडेंट की बात नहीं है, ऐसे लाखों स्टूडेंट है, ऐसे लाखों अभ्यर्थी है, जिनके साथ ये अगर रेट्रोस्पेक्टिव फैसला कर दिया जाता है तो अन्याय होगा। 11 अगस्त 2023 को जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पूरे देश में तहलका मचा ही मचा, लेकिन ये और ज्यादा भयंकर रूप तब ले लेगा जब इसको रेट्रोस्पेक्टिव किया जाए, यानी कि 2018 से जब एनसीटी रूल बना है उसी समय से इसको जो है हटाया जाए, क्वेश्चन किया जाए। तो उससे जितनी भी वैकेंसीज है 2018 के इस नियम के अकॉर्डिंग आई है, सभी के सभी चपेटे में आएगी, जो कि अब कोई सरकार नहीं चाहती। कोई सरकार कहने का मतलब कोई राज्य सरकार, हर राज्य सरकार यानी हर स्टेट, इवन यूपी भी अब इसी में है कि ये फैसला जो है रेट्रोस्पेक्टिव लागू ना किया जाए, और इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। अब इनका डॉक्यूमेंट भी जो है यूज किया जाएगा, इनके डॉक्यूमेंट्स को भी हम जो है जो लोग इस केसेस में लगे हुए हैं उनको हम उनको जो है फॉरवर्ड करेंगे, जिससे इसको यूज किया जा सके। एक ये हुआ इनका जो है, और भी मैं चीजें आपको दिखा रही हूँ। इन्होंने एक और पॉइंट रखा है, जहां तक बात हो रही है कि बीएड जो है क्वालिफाइड नहीं है, वैसे ये पॉइंट जो है बाकी जगहों पे रखा जा चुका है, चाहे एमपी की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पे ये पॉइंट रखा गया है कि हम जब बोल रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थी जो है 1 to 5 के बच्चे को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है,
तो फिर जब टेस्ट लिया जाता है, जैसे सी टेट हो जाता है, टेट हो जाता है, ये भी तो एक तरह से आपका योग्यता एलिजिबिलिटी को पहचानने के लिए ही किया जाता है। तो उसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पेपर होता है, उसमें बच्चों का मार्क्स कैसे अच्छा आता है, इन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया है कि इन्होंने जो है सी टेट, एस टेट, बहुत सारे टेट निकाले हैं और सब में इनके अच्छे मार्क्स हैं। खास करके अगर हम बात कर लेते हैं सीडीपी, तो उसमें 30 नंबर है मैथ्स में, मतलब सीडीपी में जो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी पेपर है उसमें 30 आउट ऑफ 30 ये बच्चा लेकर आया है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि इसको जो है पैडागोजी का नॉलेज नहीं है, क्योंकि 1 to 5 में अगर आप सीटेट ले रहे हो तो जाहिर सी बात है कि 1 to 5 के बच्चे के अकॉर्डिंग पैडागोजी का क्वेश्चन बना था और उसे इसने सॉल्व किया है। तो अगर इसने सॉल्व किया है और उसको समझा है तो बच्चे की मेंटेलिटी को कैसे नहीं समझेगा। दूसरी बात इन्होंने रखा है कि ये अभी छत्तीसगढ़ में जो है ज्वाइन कर चुके हैं और वहां पर ये पढ़ा रहे हैं, और वो सारे के सारे जो स्किल्स है जो इन्होंने समझा है वो चीजें बच्चों पे अप्लाई भी कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो ये वीडियो बना करके भी सेंड कर सकते हैं जो कि वो पढ़ा रहे हो, किस तरह से पढ़ा रहे हैं। आप खुद देखिए कि क्या बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, क्या क्वालिटी एजुकेशन के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, या सिर्फ ये एक कागज पे लिखा हुआ है उसको हम लेकर के चल रहे हैं, रियलिटी को हम फेस क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वहां पे कंसिडर की जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि सुमित आगे आए और इन्होंने अपना देखो ज्वाइनिंग लेटर भी भेजा है, छत्तीसगढ़ में ज्वाइन कर चुके हैं। ज्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं बता पाऊंगी, नाम सुमित है, ज्वाइनिंग इन्होंने किया हुआ है और इसी बार किया है, इसी बार जो है इन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन इनका यही कहना है कि अगर बीएड 1 to 5 में से बाहर कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद से इन लोगों का क्या, अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू कर दिया जाता है तो ये क्या करेंगे, इनकी फैमिली है उनको चलाना है, ये कैसे रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस तरह से अगर आप लोगों के पास भी सुझाव है, सजेशन है, उसको पॉइंट है और उसके साथ प्रूफ आप अगर है तो प्लीज आगे आइए और अपनी बातों को रखिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन वहां पर हो सके और डॉक्यूमेंट्स को लगाया जाए। अगर हम बात कर लेते हैं कि अभी मामला क्या चल रहा है, तो खास करके अर्णव घोष वाले मामले में बात करती हूँ, क्योंकि वो वाला जो केस है वो रेट्रोस्पेक्टिव के खिलाफ है कि रेट्रोस्पेक्टिव ये फैसला नहीं लागू होना चाहिए। अगर लागू होता है तो बहुत सारी जो है चीजें हो जाएंगी, जैसे कि एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करें उसकी धज्जियां उड़ जाएगी, ये तो क्लियर है। तो यही सारी बातें जो है वहां पे रखी जाएंगी, उस केस में तो स्पेशली रखा जाएगा। बाकी भी जो केसेस है, जैसे दीपांकर गौरव का केस है वर्सेस बिहार सेट का है, उसमें भी ये बात रखी जा रही है। अब जहां जहां पे जो जो भी केसेस हैं सब में इस बात को बिल्कुल रखा जा रहा है कि अगर बीएड कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है तो किस तरह से पैडागोजी पेपर में इतने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। अगर जो है अगर आप उनसे उनका जॉब जो जॉब कर रहे हैं अगर छीन लेते हो तो ये राइट टू लाइफ का बिल्कुल इसके खिलाफ हो जाएगा, उनके जीने का अधिकार का हनन होगा, ये भी बात है। और ये सभी पॉइंट्स को आगे रखा जाएगा। तो अभी फिलहाल की अगर हम बात करते हैं जो प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों पॉइंट्स बीएड की तरफ से रखे जाने हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स से देखो, ये दोनों पॉइंट्स में से एक ही पॉइंट अभी तक रखा गया है, वो भी अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ नहीं रखा गया था, लेकिन अब ये दोनों पॉइंट्स को रखा जाएगा, विथ प्रूफ रखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को सुनना होगा, समझना होगा कि 11 अगस्त 2023 के बाद क्या क्या जो है देश में हुआ है, और अगर रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं तो और कितना गंभीर मामला ये हो सकता है। तो अभी चांसेस पॉजिटिव जा रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव होने के चांस कम है। अब फाइट भी इसी बात के लिए हो रही है कि ये फैसला जो है रेट्रोस्पेक्टिव ना हो और इसको जो है 11 अगस्त 2023 के बाद ही लागू किया जाए, और इसमें सारे स्टेट भी साथ में हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये दो जैसे 69,000 यूपी का है, अगर वहां नहीं लागू हो रहा है तो जाहिर सी बात है बिहार में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में ये जितनी वैकेंसीज आई हैं अभी वहां पर भी नहीं होगा। केवीएस वाला मामला भी जो है बिहार के साथ टाई अप हो गया है तो उसमें भी होगा। तो ये चीजें अभी चल रही है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो सीक्रेट हैं जो हम अभी रिवील नहीं कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि पॉजिटिव वे में जा रहा है। आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे आप फिजिकल सपोर्ट, चाहे अपना जो है कॉग्निटिव सपोर्ट दे, अपने दिमागी सपोर्ट दे, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो बिल्कुल आगे आइए और सपोर्ट कीजिए। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा, केसेस से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।